बैसाखी पर आयोजन चाहे कितने हो, लेकिन नहर किनारे मेले में शामिल होने की परंपरा जारी रखते हुए शहरवासियों ने वीरवार को बढ़ चढ़कर रणबीर नहर पर आयोजित बैसाखी मेले में हाजिरी दी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मेले में हिस्सा लेकर परंपराएं निभाने के साथ मेले का लुत्फ उठाया। रणबीर नहर में बैसाखी के मौके पर हर साल पानी छोड़ा जाता है और इस मौके पर दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार बैसाखी सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से दो साल बाद नहर किनारे बैसाखी मेले का भी आयोजन किया गया था, लिहाजा लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी भी की। कोरोना महामारी के चलते दो सालों से इसका आयोजन नहीं हुआ था। नवजात शिशुओं को बैसाखी के पावन मौके पर पानी चखाने की परंपरा है, इसीलिए काफी संख्या में लोग अपने नवजात शिशुओं को यहाँ लेकर आए और उन्हें पहली बार यहाँ पर पानी पिलाया। डुग्गर संस्कृति में 6 माह के बच्चों को बैसाखी के मौके पर पहली बार पानी पिलाया जाता है। मेले के दौरान बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। बच्चों के लिए इस मेले में जहां खाने पीने के दर्जनों स्टॉल लगे थे, तो वहीं खिलौनों के स्टॉलों पर भी बच्चों की भीड़ रही। ये वेदिंग तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल कंपोनेंट भी साथ में उसका पार्ट रहे, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को पता रहे आज के दिन का महत्व और कैसे हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं और नहर में पानी छोड़ा जाता है इसी दौरान, तो वो सबको एक महत्व पता रहे आगे भी। ये ट्रेडिशन डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल था आपसे, थोड़ा इसका रिलीजियस और एक ट्रेडिशनल कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है, यहाँ पर स्नान किया जाता है और उसके बाद जो है वो किसान अपने अपने खेतों में जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद लेकर आज अब देखिए एक बच्चे को भी पानी का आचमन यहाँ कराया गया। तो ये सब हमारा ये डोगरा ट्रेडिशन और कल्चर है जिसको रिवाइव करना, जिसको स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आज यहाँ पर सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगणों ने आज ये जो आयोजित किया कार्यक्रम और मेला ये जो हो रहा है, ये बहुत इसका जो है वो दूरगामी प्रभाव रहेगा। और साथ ही में टूरिज़्म महकमे की तरफ से और स्मार्ट सिटी की तरफ से भी जैसे हम लोग कनाल की स्ट्रेंथनिंग के लिए इसके जीर्णोद्धार के लिए ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें भी और सभी यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर साहिबान, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब, पूरा जो है आज सिविल सोसाइटी के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी प्रथा है, ये बैसाखी मेला यहाँ पर आज हम इधर कनाल रोड में आप देख रहे हैं पूरा मेले का और एक हर्ष का भी उत्सव है। और आज चूँकि हर फेस्टिवल हमारे ट्रेडिशन के नाम से एक स्कीम भी लेकर आई है, जिसके तहत आप देखेंगे कल बनी में बनी आर्ट कल्चर फेस्टिवल जो है वहाँ पर 2 दिनों का शुरुआत हुई है 13 और 14 अप्रैल को। तो ये एक सरकार का एक फोकस एरिया है कि हम लोग अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और ये कल्चर इसको जो है वो स्ट्रेंथन करें और आगे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताया जाए अपने ट्रेडिशन के बारे में। देखिए कोई भी जो मुल्क जो तरक्की करता है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो अपनी रूट्स के साथ अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ हर एक मुल्क का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ये ऐसे कार्यक्रम जो हैं जो सभी युवा पीढ़ी के लिए जो है आगे आने वाली जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने कल्चर और अपनी रूट्स के साथ जुड़ें।